नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज। खबर शेखपुरा जिले से है। एक तरफ पूरा विश्व कोरोना के कारण परेशान है और विभिन्न प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार अधिकारियों के द्वारा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है, ताकि कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से निजात मिल सके। वहीं शेखपुरा में कोविड-19 के बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का जिम्मा अब खुद शेखपुरा सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मुरारी सिंह और सूचना जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने संभाल लिया है। अररिया के लोहान गांव में स्थित PSC केंद्र में डॉक्टरों के अभाव की कुछ समस्याओं की शिकायत खुद सिविल सर्जन ग्रामीण से सुन रहे हैं और ग्रामीण को जल्द से जल्द समस्याओं से निजात दिलाए जाने का भरोसा भी दे रहे हैं। दिक्कतें क्या हैं यहाँ? चिकित्सा पदाधिकारी एक दिन भी नहीं मने यहाँ रहे हैं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग जिला में ही कर दिया गया है। यह समस्या पूरे गांव को आया हुआ है। कितना दिन से ये हालत है यहाँ? ये समस्या लगभग 2 महीने से है। अच्छा, यहाँ एक भी मतलब डॉक्टर नहीं। मतलब ये कितना घर का आबादी है यहाँ? यहाँ लगभग 5,000 की आबादी है। 5,000 की आबादी, मतलब यहाँ डॉक्टर एक ही PSC केंद्र है। बस। तो फिर आप लोग कैसे क्या करते हैं इलाज? जाना पड़ता है, यही कहीं भागते हैं सर, बड़ीगा भागना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार। 104 सब सेंटर है, सब सेंटर को हमको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह बनाना है। यहाँ पर बन गया ऐसा सर 16 जगह 20 जगह बना है। हमको हर गांव में जो सब सेंटर है उसको इसी ढंग का अस्पताल बनाना है, जिसको हर गांव को सुधारने के लिए सब किया जा रहा है। अभी सरकार के द्वारा बिल्कुल वेलनेस सेंटर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समुचा फोकस सदर अस्पताल पर, रेफर अस्पताल पर, PSC पर ध्यान दिया जाए, वेलनेस सेंटर PSC पर ध्यान दिया, लेकिन हेल्थ वेलनेस सेंटर पर कहीं जो 20 को बना है कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी गाइडलाइन अभी तक नहीं आया है कि कौन डॉक्टर रहेंगे, कितने रहेंगे, कब से चालू होगा, कुछ नहीं ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टरों की आवश्यकता यहाँ है, जरूरत के लिए आपके तरफ से क्या पहल किया जाएगा? निश्चित है, जाके मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद यदि डॉक्टर रहेंगे तो मैं यहाँ दूंगा, जो PSC चलावा के प्रभारी से बात करके यहाँ पर डिप्यूटेशन करूँगा डॉक्टर का और अस्पताल का, क्योंकि PSC चलावा में आता है जी। तो चिवाड़ा के प्रभारी से बात करके यहाँ पर ही हमको समझ में आ गया, इतना अच्छा बिल्डिंग बन गया है, लेकिन डॉक्टर भी नहीं आते हैं, नया स्टाफ आते हैं, इसका मास्टर प्लान बना के इसको करूँगा। जिलाधिकारी से गोरा श्री मंत्री किनायत खान के आदेश के आलोक में जिले के सभी व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जीवन को सुरक्षित करना है तो टीका लगाना अनिवार्य है। हम लोग गांव-गांव घूमकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, शिक्षकों के सहयोग से, जीविका के द्वारा हम लोग घर घर जाकर डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं कि टीका लगाइए और अपने जीवन को सबको सुरक्षित कीजिए। इसके लिए जिला प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सर जिले में काफ़ी फायदा हो रहा है, लोग टीकाकरण में आगे आ रहे हैं, बेहतर अपील के लिए और क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनके लिए जो नुक्कड़ नाटक है सुन के समझ करके अच्छा से समझते हैं कि ये बीमारी क्या है और बीमारी से बचने क्या। ये हमारे जो नुक्कड़ नाटक है, हमारे कलाकार विनोद कुमार सिंह हैं, कि गीत संगीत और नाटक के माध्यम से बताते हैं कि टीका क्यों जरूरी है, जो इसको स्थानीय लोग अच्छी उनकी भाषा में अच्छे तरह से समझते हैं और लोग टीका लेने के लिए आगे आ रहे हैं।